करक पीटीआई के डिस्ट्रिक्ट काउंसिलर्स अपने ही जिले हुकूमत के खिलाफ सराहा एहतजाज है। डिप्टी कमिश्नर दफ्तर के सामने एहतजाज दूसरे रोज भी जारी है। इमरान खान से तहरीके एहतसाब करक से शुरू करने का मुतालबा भी कर दिया। जानते हैं हलीम बुखारी से। हलीम बताएगा काउंसिलर्स के क्या मुतालबात है और क्या पीटीआई की जानिब से किसी ने राब्ता भी किया इनसे। जी करक में तहरीक इंसाफ के नाजमीन की जानिब से तहरीक इंसाफ ही के जिले नाजम डॉक्टर मोहम्मद राज के खिलाफ कल से शुरू होने वाला एहतजाजी धरना आज दूसरे रोज भी जारी रहा। डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर के सामने मुनाकिद होने वाले एहतजाजी धरने में जिला बरस खासकारी तहरीक इंसाफ के दर्जनों जिली तहसील और नाजमीन समेत सियासी वर्कर्स ने शिरकत की। मुजाहरीन तहरीक इंसाफ के जिली नाजम के खिलाफ सभी एहतजाज और नारेबाजी कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि हम तहरीक इंसाफ के अंदर एहतसाब चाहते हैं। जिले नाजम चूंकि करप्शन बदतफूरी और कानूनी इकदाम में मुलविज है लिहाजा उसके सरआम एहतसाब किया जाए। मुजाहरीन ने इमरान खान से मुतालबा किया कि तहरीक एहतसाब इस्लामाबाद से शुरू कराने की बजाय करक से तहरीक इंसाफ का आगाज किया जाए क्योंकि करक में तहरीक इंसाफ खुद करप्शन और कानूनी इकदाम में मुलविज है। मुजाहरीन ने मुतालबात की मंजूरी पर एहतजाजी धरना जारी रखने का ऐलान किया। जी शुक्रिया हलीम बुखारी।